छोटे कारोबारियों खासकर युवाओं और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से 8 अप्रैल 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाता है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुद्रा योजना आज सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसमें जिन लोगों को लोन मिल रहा है उनमें बड़ी संख्या पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के युवा और महिलाओं की है। योजना की इस भारी सफलता के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के तहत वितरित कर्ज से लाभान्वित 100 से ज्यादा लोगों से मुलाकात की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज मैं आप सभी से मिलकर खुश हूँ। आपकी सफलता से हम देख रहे हैं कि कैसे सही नीति और नियत तमाम नागरिकों का जीवन बदल सकती है। आपकी सफलता देश भर के लोगों को प्रेरित करती है। आप सभी में विश्वास की भावना देखकर मैं खुश हूँ। इसीलिए हमने मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। हम चाहते हैं कि हर भारतीय हौसला रखे और सम्मान का जीवन जिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। हमारा फोकस पर्सनल सेक्टर पर है। हम सही वातावरण बनाना चाहते हैं जहाँ लोग अपनी मेहनत और उद्यम के लिए जाने जाएं। पीएम ने इन लोगों से अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने को कहा। पीएम से मिलने वाली तमाम महिलाओं ने योजना की जमकर तारीफ की और अपनी सफलता की कहानियां बताई। मुद्रा लोन से 1,80,000 की लोन दी और उससे मैंने ऑटो खरीदी और वो ऑटो मैं चला के अब मैं परिवार का अच्छा घर परिवार चला सकती हूँ और रोज 800,000 रुपये घर लेके ही जाती हूँ और महीने के 25,000 तो मैं कमाई लेती हूँ। मुद्रा स्कीम के बारे में मुझे पता चला, मैंने ये स्कीम ली एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद 1 ब्रांच एंड नाउ आई एम रनिंग 3 ब्रांचेस ऑफ माई जुम्बा फिटनेस क्लासेस। पहले हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे पश्मीना का, तो अब जब से हमने लोन लिया है मुद्रा का तो थोड़ा काम में सुधार हो गया है, बढ़ोतरी हुई है, तो आगे भी उम्मीद यही है कि बढ़ोतरी होगी प्रधानमंत्री की कृपा से। अब ये मुद्रा से मैंने लोन लिया है, डायरेक्ट हम लोग 1.5-2 लाख का माल उठा लेते हैं एक साथ। उससे मैंने ग्राइंडिंग का एक मशीन लिया है, जैसे मिर्ची पाउडर हो जाता है उससे, और पैकिंग का मशीन लिया है, तो पैकिंग वगैरह करके थोड़ा अप टू डेट में अच्छे से हम लोग ऑल एग्जीबिशंस में बिजनेस करते हैं, जैसे सेलिंग भी होता है और अच्छा माल होने की वजह से सेलिंग भी अच्छा जाता है। दरअसल सरकार अकेले सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही हैं ताकि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। ये ऐतिहासिक योजना महिलाओं के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे वो अपने माता पिता अथवा पति पर निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस योजना की सफलता इसके आंकड़ों से जाहिर होती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3,48,00,000 से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए, जिसके तहत 1,37,449 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई और 1,32,954 करोड़ से ज्यादा रुपए वितरित किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3,97,00,000 से ज्यादा लोन स्वीकृत किए गए, जिसके तहत 1,80,528 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई और 1,75,312 करोड़ से ज्यादा रुपए वितरित किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात करें तो 27 मार्च तक 4,53,51,509 लोन स्वीकृत किए गए, जिसके तहत 2,28,144 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई और 2,20,596 करोड़ रुपए से ज्यादा वितरित किए गए। प्रधानमंत्री का मानना है कि 3 साल पहले युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनकी आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस मुद्रा योजना से लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग सेक्टर को काफी फायदा मिल रहा है। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग सेक्टर भारत के बदलाव के लिए जरूरी है और सरकार इस क्षेत्र में और विकास के लिए तमाम कदम और सुधार कर रही है। मुद्रा ऋण 10 लाख रुपए तक के गैर कृषि कार्यकलापों के लिए उपलब्ध है। डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्र भी इस योजना में शामिल हैं। मुद्रा योजना ने न केवल रोजगार की समस्या को कम करने का काम किया है बल्कि स्वरोजगार को भी खूब बढ़ावा मिल रहा है। खास बात यह है कि मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत लाभ ले चुके लोगों में 70% महिलाएं हैं। कुल मिलाकर मुद्रा योजना लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। सही मायनों में ये योजना सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास का सटीक उदाहरण है। अरुण शर्मा के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, DD न्यूज़।